लोगों में रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने और रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवता लाइफ फाउंडेशन की ओर से वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो पूरे साल भर चलाए जाने की जानकारी नीलिमा बावनी ने दी। हमारे देश में रक्तदान को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि रक्तदान से शरीर कमजोर हो जाता है और उस रक्त की भरपाई होने में काफी समय लग जाता है। इतना ही नहीं, यह गलतफहमी भी व्याप्त है कि नियमित खून देने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण बीमारियां जल्दी जकड़ लेती है। लोगों में फैली इन गलतफहमियों को दूर करने और रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवता लाइफ फाउंडेशन की ओर से वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में नीलिमा बावने ने अधिक जानकारी साझा की। नमस्कार। वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हमने 2 अक्टूबर से शुरुआत करी थी और हमारा लक्ष्य ऐसा है कि इस साल भर हम ये रक्तदान शिविर लेने वाले हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि अभी भी लोगों में भयभीत है कि भाई कैसे करें, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि 40 के बाद लोग सोचते हैं कि अभी मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं अभी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 साल के ऊपर आप रक्तदान कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है देवता लाइफ फाउंडेशन का, इस साल का हमारा मिशन है 1,00,000 लोग तक हमको पहुँचना है और उन सबको हमको हमारे तरफ अट्रैक्ट करना है कि आप ब्लड डोनेट करिए। और हर एक व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। जो भी व्यक्ति रक्तदान जब करता है तो उसमें से 3 लोगों का उनका जो लाइफ है वो सेक्युर्ड होता है। ये भी लोगों को मालूम नहीं रहता, अपन जो ब्लड देते हैं उनमें 3 लोगों का लाइफ सेक्युर्ड हो रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस रक्तदान महायज्ञ का आयोजन साल भर के लिए किया गया है, इससे 1,00,000 लोगों को जोड़ने का निश्चय किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN News, नागपुर।